हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव जतवाल फ्रॉम जीपीसी करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 210 सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 14 टैक्सेस के पार्ट 3 के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लास्ट दो पार्ट में हमने देखा था कि आरबीआई कैसे वर्क करता है और बजट कैसे फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे टैक्स इम्पोज करती है और उसका फ्रेम कैसा होता है। फाइनेंस कमीशंस या पब्लिक फाइनेंस। अंडर द आर्टिकल ऑफ 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर्स, विच कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। मीन्स आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है जिसमें कि 4 मेंबर होते हैं और ये फाइनेंस कमीशन 5 ईयर तक एक्टिव रहता है। द प्राइम फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ। अब फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू द शेयर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड अदर अलोकेशन ऑफ शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स अमंग द स्टेट्स। मीन्स टैक्सेस कैसे शेयर होते हैं यूनियन और स्टेट्स में। द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द पेमेंट ऑफ ग्रांट इन एड बाय द सेंटर टू द स्टेट। एनी अदर मैटर कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ग्रांट्स इन स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ग्रांट टू द स्टेट एज पर द आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ग्रांट अंडर द आर्टिकल 275 आर मेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वेयर एज अंडर आर्टिकल 282 द गवर्नमेंट इन्जॉयज द डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड ग्रांट टू द स्टेट। मीन्स आर्टिकल 275 और 282 में ऐसे कुछ टर्म दे रख रहे हैं जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे सकती है या रिलैक्सेशन दे सकती है टैक्सेस में। इसमें जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है अंडर आर्टिकल 275(1) और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को। नाउ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपनी इनकम करती है। पहला आता है सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। इट इंक्लूड टैक्सेस ऑन द सेंट्रल आइटम मेंशन इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल एंड अदर्स। दूसरा होता है इट इंक्लूड्स बोरोइंग इनकम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट अर्निंग ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स एंड एड्स एट्सेट्रा, फीस एक्सक्लूडिंग कोर्ट फीस अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू अर्न करती है, उसमें भी दो तरह के हैं। पहला टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वही सेंट्रल की तरह, टैक्स ऑन द आइटम कंटेन इन स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, सेल्स एट्सेट्रा। जबकि नॉन टैक्सेबल में फी टेकन इन कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल की तरफ और हाई कोर्ट स्टेट की तरफ टैक्स देती है। इनकम ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट की बोरिंग और उसको रॉयल्टी जो मिलती है माइंस और फॉरेस्ट से। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं टैक्सेस में जो कंसिडर किए जाते हैं। पहला आता है आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज डैट नो टैक्स शैल बी लेव्ड यानी इम्पोज्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी जो कि टैक्स ले सकती है या फिर उसको इम्पोज कर सकती है या फिर घटा बढ़ा सकती है एक्सेप्ट द लॉ अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट। डायरेक्ट टैक्स, दिस इज़ अ टैक्स हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स डैट वन हु पेज द डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो बेयर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बैंकिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन टैक्सेस। मीन्स जब भी कोई डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं जब भी किसी की प्रॉपर्टी या वेल्थ बेयर करता है तो उसी को ही वो बर्डन टैक्स का उठाना पड़ता है। दूसरा है इनकम इनडायरेक्ट टैक्स। देयर आर द टैक्सेस
विच आर पेड बाय द सम पर्सन एंड ही गिफ्ट एंड ही शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द अदर पर्सन, दैट इज टैक्स इम्पैक्ट एंड टैक्स इंसिडेंस इन ऑन टू डिफरेंट पर्सन। इसका मतलब एक जना तो सर्विस लेता है और दूसरा जना टैक्स बेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल वैट टैक्स, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज और सेल टैक्स, एड वैलोरम टैक्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन विच द गुड्स और कॉमोडिटीज आर टैक्स एट पर इट्स वैल्यू। वैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड वॉरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स, इट इज़ अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ, ब्रेथ, द वेथ वेट इज यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। मीन स्पेसिफिक टैक्स ऐसा नहीं है कि एक कमोडिटी के लिए एक ही होती है, ये कमोडिटी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वेट वगैरह को कंसिडर करता है और उस हिसाब से टैक्सेस लगाता है। जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में जब चीज़ कोई कुरियर करते हैं तो उसके वजन के हिसाब से हमें बिल पेमेंट करना पड़ता है और उस हिसाब से ही उस बिल पे टैक्सेस लगते हैं। मिनिमम अल्टरनेटिंग टैक्स MAT, इट इज़ अ मिनिमम टैक्स विच अ कंपनी हैज़ टू पे इवन इफ इट नॉट हैविंग एनी इनकम और ज़ीरो इनकम। यानी ज़ीरो इनकम होगी किसी कंपनी की, उसके बाद भी उनको ये मिनिमम टैक्स देने ही पड़ेंगे फॉर सर्वाइव। इट केम इन टू द फोर्स टू कर्व द प्रॉब्लम टैक्स एडवर्जन बाय द कंपनी शोइंग द इनकम एंड पेइंग नो टैक्सेस। विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2000 MAT वॉज इम्पोज एट अ फ्लैट रेट ऑफ 7.5% ऑन अ बुक प्रॉफिट एज कंप्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट विदाउट अलाउइंग एनी डिडक्शन और एडजस्टमेंट। सर्विस टैक्सेस, इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1984-85 बजट एट 5% यूनियन सर्विस टैक्स ऑन थ्री स्पेसिफिक सर्विस नेमली टेलीफोन, जनरल इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकरेज। एट प्रेजेंट नियरली 100 सर्विसेज आर अंडर इट्स एम्बिट। द यूनियन बजट 2006-07 हैज इनक्रीज सर्विस रेट ऑफ 12% प्लस सरप्लस चार्ज एप्लीकेशन एप्लीकेबल। सर्विस टैक्स इज एन यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब 1984-85 में सर्विस टैक्स इम्पोज किया गया था तो बस ये सिर्फ तीन कमोडिटी में था। पहला था टेलीफोन सर्विसेज, दूसरा था जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज और तीसरा स्टॉक ब्रोकरेज। और उस टाइम टैक्स की रेट थी 5%। अब ये मोर देन 100 सर्विसेज पे लागू हो चुका है और टैक्स की रेट बढ़कर 12% हो गई है। सर्विस टैक्स को यूनियन लिस्ट की 7th शेड्यूल में रखा गया है। कुछ टैक्स रिफॉर्म्स कम्युनिटी अब तक जो बनी है इंडिया में, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट्स हैं, पहली है 1956 में निकोलस कैल्डोर कमेटी, 1971 में KN वॉन्चू कमेटी, 1981 में LK झा कमेटी, 1991 में राजा जे चेलिया कमेटी, 2001 में पर्थ सारथी स्कीम कमेटी, 2002 में विजय केलकर कमेटी और 2003 में M गोविंदा राव कमेटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी जो टैक्स रिफॉर्म्स में अब तक वर्कआउट कर चुकी है। अब हम कुछ की पॉइंट देखेंगे और उसके बाद लास्ट वेट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं, एनुअल टैक्स ऑन वेल्थ वाज इंट्रोड्यूस इन 1957 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैल्डर कमिटीज। गिफ्ट टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1958 which was later abolished with effect from October 1, 1998. The easiest way to know the tax burden is tax GDP ratio. The state have exclusion control over the excise duty of alcohol and narcotics. Haryana is the first state to introduce VAT. Sales tax or VAT is a state subject, it is a state list of 7th schedule of the constitution. अब हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट टॉपिक वैट के बारे में। वैट, वैट इज फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इज अ टैक्स
इम्पोज ऑन द वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेज आउटपुट ऑफ कमोडिटी। मतलब जब हम किसी रॉ मटेरियल से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हर स्टेज यानी उसे रॉ मटेरियल के लाना, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद इसको रिफाइनिंग करना, उसको बनाना, उसमें सर्विसेज ऐड होती है और फाइनली मैन्युफैक्चर होके जब मार्केट में आता है तो हर स्टेज पे उस पर टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, उसको हम वैट कहते हैं। द वैल्यू एडेड इज मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड डेट ऑफ द इंटरमीड गुड परचेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल डिस्पोजल। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वैट द टैक्स क्रेडिट मेथड इज यूज अंडर विच अ फर्म इज अलाउड टू डिडक्ट द वैट पेड बाय इट ऑन परचेज फ्रॉम अदर यूनिट फ्रॉम द वैट विच द फर्म हैज नो पे सेल इनवॉइस हैज टू शो फॉर द सेम। मतलब सेल्स इनवॉइस हर बार दिखाना पड़ेगा वैट को इम्पोज करने के लिए। अब हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस वैट अराइव्स एट ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज हेल्ड इन 1999 एंड आफ्टरवर्स इन 2000 and 2001। एन एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वॉज कंस्टिट्यूट इन जुलाई 2000 टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैट। वैट केम इन टू द इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2005। मीन्स अप्रैल 2005 में पहली बार वैट लागू हो चुका था, जिसमें कोई बीजेपी स्टेट्स नहीं थी क्योंकि उस टाइम जो रूलिंग पार्टी थी वो कांग्रेस थी, और कुछ अलग स्टेट्स भी थी जिसमें रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, वो थी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। इन ऑल 2005 में 25 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी में वैट इम्प्लीमेंट हो गया था। सबसे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान में वैट इफेक्ट अप्रैल 1, 2006 से हो गया था। एज पर द प्री कंडीशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैट, जब भी अगर इम्प्लीमेंटेशन अपन वैट करती है कोई स्टेट और उसको स्टेट को लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में उसको लॉस हुआ तो 100% कंपनसेट देगी, सेकेंड ईयर में भी अगर वो लॉस हुआ तो 75% कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और थर्ड में भी हुआ तो 50% कंपनसेशन स्टेट को मिलेगा। जब ये वैट सबसे पहले लागू हुआ था तो देन फिक्स और 5 और 6 में सबसे ज़्यादा लॉस सफर्ड वाली स्टेट थी केरला, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और बिहार। टोटल 8 स्टेट को 25 स्टेट में से लॉसेस हुआ था और बाकी बची 17 स्टेट्स को प्रॉफिट हुआ था। अब हम वैट का शुरुआती स्ट्रक्चर देखेंगे और अब करंट स्टेटस स्ट्रक्चर देखेंगे। द डिज़ाइन ऑफ वैट इज रिकमेंडेड बाय द एम्पावरमेंट कमेटी एंड अडॉप्टेड बाय स्टेट फ्रॉम अप्रैल 1, 2005। इज इन्फॉर्म यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट। मतलब वैट एक यूनिफॉर्म टैक्स है जो ऑल ओवर इंडिया में सेम रेट्स अप्लाई करेगा। उससे पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट के टैक्सेस होते थे, जो मीन्स अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइजेस होती थी। इट ब्रॉडली पुट फॉरवर्ड अ 3 रेट स्ट्रक्चर, 4% ऑफ 250 कम्युनिटीज मेनली एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स, 12.5% फॉर 270 अदर आइटम्स एंड 1% फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स। लेकिन अब जो टैक्स का वैट का सिनेरियो है वो एकदम डिफरेंट है आफ्टर 15 ईयर्स। तो हम इसका करंट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अब इसकी वैट की 4 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें है पहला 0% फॉर अनप्रोसेस एग्रीकल्चर गुड्स एंड गुड्स फॉर सोशल इम्पोर्टेंस, फिर बनाइए 1% फॉर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल, 4% फॉर इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड अदर असेंशियल आइटम्स, 20% फॉर डीमेरिट एंड और लग्जरी गुड्स एंड द रेस्ट कमोडिटीज 12.5%। यानी जब ये इम्पोज हुआ था, जब 3 कैटेगरी बनाई गई थी और अब 4 कैटेगरीज है, 1%, 4%, 20% एंड 12.5%। अब हम देखते हैं वैट को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। वैट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है सब्ट्रैक्शन मेथड। अंडर दिस मेथड टैक्स रेट इज अप्लाइड टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट। मतलब आउटपुट माइनस इनपुट
डायरेक्टली करके हम सब्ट्रैक्शन किसी प्रोडक्ट का वेट निकाल सकते हैं। दूसरा होता है एडिशन मेथड। अंडर दिस मेथड वैल्यू एडेड इज कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल द पेमेंट डेट आर पेएबल टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेमली वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर टैक्सेस। तीसरा होता है क्रेडिट मेथड। अंडर दिस मेथड इट एंटेल्स सेट ऑफ ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट फ्रॉम टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। इंडियन स्टेट हैव ऑप्टेड फॉर टैक्स क्रेडिट मेथड्स। इंडिया में टैक्स क्रेडिट मेथड होता है जिसमें कि टैक्स जो इम्पोज किया जाता है, एंटाइटल किया जाता है और टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसका डिफरेंस। वैट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स ऑन गुड्स दैट इज इम्पोज अक्रॉस वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई विद क्रेडिट गिवन फॉर टैक्स पेड एट ईच स्टेज वैल्यू एडिशन। वैट इज अ मोस्ट प्रोग्रेसिव वे ऑफ टैक्सिंग कंप्यूटेशन रेदर देन बिजनेस टैक्सेस। सो हमने आज पढ़ा कि टैक्सेस फाइनेंस कमीशन कैसे इम्पोज करता है, कुछ की पॉइंट्स, अब तक के कुछ रिफॉर्म्स जो टैक्स सिस्टम में हुए हैं, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और ग्रांट्स में, और कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस रेवेन्यू जमा करती है। अब हमने अब तक तीन वीडियोज़ में जितना भी पढ़ाया उसका एक ब्रीफ समरी शो करते हैं एक चार्ट के थ्रू। इस चार्ट में दिखाया गया है कि एक बजट में गवर्नमेंट कैसे, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, कैसे टैक्स जमा करती है और उस टैक्स का कैसे यूज़ करती है, यानी पहले वो टैक्स को कैसे रिसीव करती है और दूसरा कैसे उसको खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है। पहला है रेवेन्यू अकाउंट से जब उसको रिसीव करता है, पहला होता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा मेथड होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू वो ले सकती है टैक्स रेवेन्यू से या नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जो हम पढ़ चुके हैं। टैक्स रेवेन्यू में जैसे टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस, टैक्स ऑन कम्युनिटी एंड सर्विसेज, और लास्ट है और कैसे वो उस टैक्स को खर्च करती है, वो होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फर्दर क्लासीफाई होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल एंड अदर सर्विसेज, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट रिसिपेंट्स। इस तरह से एक गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है और जो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें वो फाइनेंस बिल के थ्रू तो पैसे जमा करती है और एप्रोप्रिएट बिल के थ्रू पैसे निकालती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। सो ये हमारा यूनिट 14 था टैक्सेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।